हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? वो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं भिंडी की इंस्टेंटली 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत सरल है, आसान है, बनाने में कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग है। जितना बनाने में आसान है, उतना खाने में ही ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको भिंडी खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, भिंडी के नाम से आप दूर जाते हैं, तो ये रेसिपी देखने के बाद आप भिंडी को ज़रूर पसंद करेंगे और बार बार इसी ट्रिक से इस रेसिपी को बनाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, क्योंकि मेरे घर के बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही पसंद पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग जाए प्यारे दोस्तों, तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही प्यारी और इंस्टेंटली रेसिपी के लिए, साथ ही फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आप देख सकते हो, भिंडी को पहले ही मैंने अच्छे से बढ़िया से धो के और पंखे के नीचे इसका पानी सुखा लिया है। तो पानी आप ज़रूर सुखा लीजिएगा। यहाँ पे कुछ छोटी साइज की भिंडी मेरे पास है, कुछ बहुत ही बड़ी है, कुछ मीडियम साइज की है, लगभग सारे तरह की भिंडी मेरे पास है दोस्तों। इसका ये जो साइड है, इधर से काट देंगे दोस्तों, और इस तरह से हम काट देंगे। और यहाँ पे मेरी बीच से हम भिंडी को कट करेंगे, ये देखिए। और इस तरह से कट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम बीच में चीरा लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो मेरी ये छोटी सी भिंडी थी, अगर आपके पास काफ़ी बड़ी भिंडी है तो उस तरह से, इस तरह से चीरा लगा दिया है। काफ़ी बड़ी भिंडी है तो उसको आप 3 पीसेस में या 4 पीसेस में भी काट सकते हैं, या फिर आपको जैसी मन हो उस तरह से आप भिंडी को कट कर सकते हैं। तो मैं सारी भिंडी को इस तरह से कट कर ले रही हूँ। लीजिए दोस्तों, भिंडी को अच्छे से हमने काट लिया है। एक पैन मैंने चढ़ा दिया है और इस पैन में 2 से 3 चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे भिंडी है तो भिंडी को हम इसमें ऐड कर देंगे। बिना ढक्कन के ही इसको हमने भून लिया है, और जब तक हमारी भिंडी 50 से 60% भुना ना जाए, पक ना जाए, बस उतना ही तक हमें भूनना है। अब इसको हम अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है भिंडी को। भिंडी को हमने अलग से बर्तन में निकाल लिया है, इसको साइड रख देते हैं। यहाँ पे 3 चम्मच हम करीब दही ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 3 चम्मच करीब हमने दही ऐड कर लिया है। दही थोड़ी सी खट्टी वाली लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के हम, बड़े चम्मच से 1 चम्मच भर के हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे बड़े चम्मच से 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे छोटे चम्मच से 1/2 स्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच भर के हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। मसाले की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर बच्चे खा रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को हम आपस में मिला गुला लेते हैं। सारे फ्लेवर को दही के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब दही को हम साइड रख देते हैं। सेम पैन हम ले लेंगे, आप चाहो तो बर्तन को चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे 2 चम्मच के करीब हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के हम साबुत जीरा ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, बारीक काट करके हमने लिया है, तो इसको भी ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे 1/5 इंच भर का हम हींग जरूर ऐड करेंगे, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। 2 सूखी हुई मिर्ची हम ऐड कर देंगे। सारे फोरन वगैरह अच्छे से कड़क जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो हमने दही का घोल रेडी किया था, गैस का फ्लेम बहुत ही कम कर दीजिएगा। तो सारे के सारे जो बैटर हैं दही का, इसमें ऐड कर देंगे। दही का बैटर देने के बाद गैस का फ्लेम अभी कम रखिएगा दोस्तों। अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, ताकि हमारी दही जो है कंटिन्यूसली इसको लारेंगे, दही फटे नहीं। बस इसी स्टेज पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है तो यहाँ पे टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे रेड चिली पाउडर है तो इसको भी 1/2 स्पून करीब हम ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर हमने दही में भी मिलाया था, आप चाहो तो इसको स्केप भी कर सकते हो। और इसको बराबर से हम मिलाते रहेंगे दोस्तों। 1 मिनट कंटिन्यूसली लारने के बाद दोस्तों, अब इसको ढक्कन लगा के हम लो टू मीडियम पे बढ़िया से दही और मसाले को पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है और लो टू मीडियम पे दही को और सारे मसाले को बढ़िया से हमने पका लिया है। और आप देख सकते हो, मैं नज़दीक से वीडियो में दिखा दे रही हूँ, सारे ऑयल जो है हमारे रिलीज़ हो गए हैं और कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो दही और मसाले हमारे बढ़िया से पक गए हैं। तो जिस बॉल में हमने दही घोल के रखा था दोस्तों, तो बस उसी बॉल से मैं ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पे 4 चम्मच ही पानी ऐड कर रही हूँ, कि मुझे सूखी हुई दही वाले मसाले भिंडी बनाने हैं। अगर आपको ग्रेवी चाहिए, सूखा हुआ नहीं चाहिए, तो आप इसमें
एक कटोरी या आधा कटोरी पानी ऐड कर सकते हो। भिंडी को, सारे भिंडी को इसमें ऐड कर देंगे। देने के बाद अब तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिएगा। जितना आपको सॉल्टी पसंद है उस अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों ढक्कन लगा के हम इसे लो टू मीडियम गैस पे 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। हम अपनी भिंडी को चेक कर लेते हैं और ये बढ़िया से हमारा जो है भिंडी बनके रेडी हो गया है दोस्तों। इस स्टेज पे हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, आपकी ये जो दही मसाला भिंडी बनके रेडी हो गई है। मैंने सूखा ही बनाया है, मसाला और जो दही है बढ़िया से हमारी भिंडी पे कोड हो गए हैं। आप ग्रेवी वाली भी इसे बना सकते हो और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इंस्टेंटली बन जाती है। जब आपके पास कम समय हो और इंस्टेंटली चटपटा कुछ सब्जी बनाना है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो और इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हो, सफ़र में भी ले जा सकते हो, क्योंकि ये सूखी दही मसाला भिंडी है दोस्तों। इस रेसिपी को मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया है। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो जब हमने फ़ोरन दिया था तब आप बारीक काट के प्याज को डाल सकते हैं और साथ ही आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों, लेकिन मैंने इसे बिना प्याज लहसुन के बनाया है। तो आप किसी भी तीज व्रत, जैसे जन्माष्टमी वगैरह हुआ, अभी नवरात्रि आएंगे, दीपावली आएंगे, छठ आएंगे, तो उसमें भी इस भिंडी को बना सकते हो दोस्तों। और मैं नज़दीक से इसका टेक्सचर वगैरह कलर दिखा दे रही हूँ, बहुत ही माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग है। बस बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। इसे फटाफट से बनाइए और फुल फैमिली, फुल दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए दोस्तों।